मेष, गणेश जी कहते हैं कि आज आपका मित्र समूह के साथ आनंद प्रमोद करने का दिन है। मित्रों से भेंट उपहार मिलेंगे और आपका भी मित्रों के पीछे खर्च होगा। नई मित्रता के कारण भविष्य में भी लाभ हो सकता है। वृषभ, गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए शुभ है। नए कार्य का आयोजन सफलतापूर्वक कर सकेंगे। उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी। मिथुन, किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शरीर में थकान और आलस्य रहने से कार्य करने में उत्साह नहीं होगा। पेट संबंधित रोगों से परेशानी हो सकती है। कर्क, गणेश जी कहते हैं कि प्रत्येक विषय में आज सावधानी पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद ना करिएगा। वाणी पर तथा क्रोध पर संयम रखने से अनिष्ट दूर कर सकेंगे। सिंह, वैवाहिक जीवन में आपस में तकरार होने से पति पत्नी के बीच में तनाव होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपने भागीदार तथा व्यापारियों के साथ धीरज से काम लेना। कन्या, आज के दिन आप स्फूर्ति तथा स्वस्थता का अनुभव करेंगे। घर में भी तथा नौकरी के स्थल में भी वातावरण आनंददायी रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुला, आपका दिन मध्यम फलदायी होगा। संतानों की चिंता आपको सताएगी। विद्याभ्यास में बाधाएं आएंगी। वाद विवाद या बौद्धिक चर्चा से दूर रहिएगा। नए कार्य का प्रारंभ आज करने पर वह सफल नहीं हो पाएगा। वृश्चिक, आज शांत चित्त से दिन बिताने की गणेश जी आपको सलाह देते हैं। चिंतातुर मन तथा अस्वस्थ शरीर आपको व्यग्र रखेगा। संबंधियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक हानि की संभावना है। धनु, नए कार्य के प्रारंभ के लिए आज का दिन शुभ है। भाई बंधुओं से मेल जोल में वृद्धि होगी तथा परिवारजनों के साथ प्रवास का आयोजन हो सकता है। आरोग्य अच्छा रहेगा। भाग्य में वृद्धि होने की संभावना है। मकर, आज के दिन परिवारजनों के साथ कलह के प्रसंग ना हो, इसका ध्यान रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। वाणी पर संयम आपको कठिनाई में भी बाहर निकालेगी। शेयर सट्टे में पूंजी निवेश करने का आयोजन आप कर सकेंगे। कुंभ, आज का दिन शुभ फलदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अच्छा अनुभव हो सकता है। मीन, लोभ या लालच में ना फंसने की गणेश जी सलाह देते हैं। आर्थिक विषय में बहुत सावधानी बरतिएगा। पूंजी निवेश अथवा सही मुहर लगने से पहले ध्यान रखिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।